तो ये है हमारा सेकंड ट्यूटोरियल क्यूब रनर गेम का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेम प्रोग्रामिंग के बारे में। हम बात करेंगे कि हम यूनिटी गेम इंजन में गेम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा आज हम हमारे प्लेयर को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे क्यूब को आगे की तरफ मूव करेंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ गेम प्रोग्रामिंग। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो ये तो आप जानते होंगे कि यूनिटी गेम इंजन में गेम प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि इससे पहले हम गेम प्रोग्रामिंग सीखें, हमें बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए बिकॉज अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आपके लिए गेम प्रोग्रामिंग को सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हमने पहले ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जिसमें हमने आपको सी शार्प लैंग्वेज सिखाई है, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई है, बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को देखो, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखो, उसके बाद आप गेम प्रोग्रामिंग पर आना। लेकिन अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली है तो अब हम बात करते हैं गेम प्रोग्रामिंग के बारे में। याद रखो कि यूनिटी गेम इंजन में गेम प्रोग्रामिंग करने के लिए हम स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम स्क्रिप्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यूनिटी गेम इंजन में आएंगे एंड यहाँ पर एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। और वो कैसे क्रिएट करेंगे, हम प्रोजेक्ट विंडो में आएंगे, यहाँ पर जैसे हमने मटेरियल्स क्रिएट किए थे वैसे हम एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद सी शार्प स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लें। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो में एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को रीनेम करेंगे। अब ये स्क्रिप्ट हमने प्लेयर के लिए क्रिएट की है तो हम इसे रीनेम करेंगे प्लेयर स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जब भी आप प्लेयर स्क्रिप्ट क्रिएट करो, उसे रीनेम करो, तो मेक श्योर आप उसके बीच में कोई स्पेस मत दो। ओके, एंड अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम इस स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास विजुअल स्टूडियो फ्लैश होगा एंड उसके बाद विजुअल स्टूडियो में हमारे पास ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो ओपन नहीं होता है या फिर हमारी स्क्रिप्ट ओपन नहीं होती है तो मेक श्योर आपने विजुअल स्टूडियो को अच्छे से इंस्टॉल किया हो। एंड उसके बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपको एडिट में आना है, एडिट में जाकर उसके बाद प्रेफरेंस, एंड प्रेफरेंस में जाकर जो एक्सटर्नल टूल्स है उसमें हमने देखो यहाँ पर है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने विजुअल स्टूडियो को सिलेक्ट किया हो, तभी आपके पास हमारी स्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन होगी। ओके, तो होपफुली आपके पास विजुअल स्टूडियो रन कर जाएगा, आपकी स्क्रिप्ट चल जाएगी। तो अब हम आते हैं हमारी स्क्रिप्ट की तरफ। तो अब अगर हम हमारी स्क्रिप्ट की तरफ देखें तो देख सकते हैं कि जो क्लास नेम है प्लेयर स्क्रिप्ट वो सेम नेम एज हमारी स्क्रिप्ट के नेम से मैच करता है, राइट। और ये प्लेयर स्क्रिप्ट क्लास इनहेरिट कर रही है मोनो बिहेवियर क्लास को। अब जो ये मोनो बिहेवियर क्लास है ये यूनिटी की क्लास है जिसमें हमें बहुत सारे यूनिटी के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और हमारी जो ये प्लेयर स्क्रिप्ट क्लास है ये मोनो बिहेवियर क्लास को इनहेरिट कर रही है, यानी उसके फीचर्स को इनहेरिट करती है। ओके, और हमारी क्लास में हमें दो मेथड्स देखने को मिलते हैं, एक है स्टार्ट मेथड एंड एक है अपडेट मेथड। और ये जो मेथड है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये काइंड ऑफ मेन मेथड जैसे हैं। अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग की है, बेसिक सी शार्प की है, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक सी शार्प के प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है, राइट। और जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन मेथड से ही होती है, राइट। बिना मेन मेथड के हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट एंड अपडेट मेथड है, ये भी काइंड ऑफ मेन मेथड जैसे ही है। जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट एंड अपडेट मेथड से ही होती है। बट यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से कौन सा मेथड पहले रन करेगा, कौन सा मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा। वेल, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है और यहाँ पर कमेंट्स में लिखा भी हुआ है कि जो स्टार्ट मेथड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद अपडेट मेथड एग्जीक्यूट होगा। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट मेथड में कुछ वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो जो हमारी नॉर्मल सी शार्प प्रोग्रामिंग थी वहाँ पर हम कॉन्सोल डॉट राइट लाइन मेथड को यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है डीबग डॉट लॉग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डीबग, ठीक है, उसके बाद डॉट एंड लॉग। और ये मेथड काइंड ऑफ आपके कॉन्सोल डॉट राइट लाइन मेथड जैसी है। इसमें भी अगर मैं डबल कोट्स में वैल्यू लिखता हूँ, देखो
हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये वैल्यू हमारे कंसोल विंडो में प्रिंट होती है। अब यूनिटी गेम इंजन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंसोल विंडो है, राइट। तो अगर आपके पास कंसोल विंडो नहीं देखने को मिलती तो आपको क्या करना है, विंडोज़ पे जाना है एंड उसके बाद जनरल एंड उसके बाद कंसोल पे सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारे पास कंसोल विंडो आ जाएगी। अब इस कंसोल विंडो को मैं प्रोजेक्ट विंडो के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ओके, तो जो हमने डीबग डॉट लॉग में वैल्यू पास की है, अब यही वैल्यू हमारे कंसोल विंडो में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी स्क्रिप्ट को कंट्रोल सेव करेंगे एंड उसके बाद हम हमारे यूनिटी गेम इंजन में आएंगे एंड प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी कंसोल विंडो में कुछ भी प्रिंट नहीं होता, जबकि जो डीबग डॉट लॉग है वो मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए था जैसे ही हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता बिकॉज अभी तक हमने हमारी स्क्रिप्ट को किसी गेम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं किया है। जी हाँ, अगर हमें हमारी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्क्रिप्ट को किसी गेम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ये स्क्रिप्ट प्लेयर के लिए क्रिएट की है, तो हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से उठाएंगे एंड हमारे प्लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब देखो, जैसे ही मैं हमारी स्क्रिप्ट को प्लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये भी इंस्पेक्टर विंडो में हमारे प्लेयर का एक कंपोनेंट बन जाती है। देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा था, देखो, प्लेयर स्क्रिप्ट, अब ये हमारे प्लेयर का एक कंपोनेंट बन गई। जी हाँ, स्क्रिप्ट भी एक तरह का कंपोनेंट ही होता है और इसे हम बिहेवियर कंपोनेंट कहते हैं, और वो इसलिए बिकॉज इस स्क्रिप्ट कंपोनेंट से हम हमारे प्लेयर के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो, जब मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कंसोल विंडो में हेलो वर्ल्ड देखो प्रिंट हो जाता है। ओके, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई और हमारा स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हो, और जो हमने स्टार्ट में वैल्यू प्रिंट कराई थी, देखो हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पर कंसोल विंडो में प्रिंट हो गई। ओके, तो ये था हमारा स्टार्ट मेथड। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अपडेट मेथड। तो जैसे कि हमने बात की थी कि स्टार्ट मेथड के बाद अपडेट मेथड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो अपडेट मेथड है वो हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पीसी में आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिल रहे हैं तो ये अपडेट मेथड एक सेकंड में 60 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर आपका पीसी अच्छा है और आपको 100 फ्रेम्स पर सेकंड मिल रहे हैं तो आपका ये अपडेट मेथड 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जो हमारा अपडेट मेथड है वो हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब हम इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ वैल्यू प्रिंट कराएंगे। कैसे, हम लिखेंगे, देखो, डीबग डॉट लॉग एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स। अब यहां पर हम लिख देंगे आई एम अपडेट मेथड एंड उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो अब देखो, अब मुझे यहाँ पर कंट्रोल सेव फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल सेव नहीं करूँगा तो जो भी हमने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए हैं वो हमारा यूनिटी गेम इंजन रिकग्नाइज नहीं करे। तो इसलिए जब भी आप अपने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करो तो उसे कंट्रोल सेव करना मत भूलना। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कंट्रोल सेव करूँगा एंड उसके बाद हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा। अब उसके बाद देखो, मैं फिर से प्ले बटन पर क्लिक करूँगा, और जब मैं देखो प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आई एम अपडेट मेथड कितनी बार एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, देखो, मैं यहाँ पर इसे जो प्ले बटन के साथ पॉज बटन है उस पर क्लिक करूँगा। ओके, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो पॉज हो जाती है बिकॉज हमने गेम को पॉज कर दिया। ओके, तो अब देखो, अब मैं बिल्कुल टॉप पर आऊँगा तो हम बिल्कुल देखो टॉप पर देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ एक बार, और उसके अंदर जो हमने हेलो वर्ल्ड वैल्यू पास की थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। ओके, एंड उसके बाद बार बार आई एम अपडेट मेथड एग्जीक्यूट होता गया, और वो क्यों एग्जीक्यूट होता गया, क्योंकि अपडेट मेथड हर फ्रेम एग्जीक्यूट होता है। ओके, और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो स्टार्ट मेथड है और अपडेट मेथड है वो कब एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो होपफुली अब आपको पता चल गया होगा। तो ये थे हमारे स्टार्ट एंड अपडेट मेथड। अब यूनिटी गेम इंजन में इसके अलावा में और भी बहुत सारे मेथड्स देखने को मिलते हैं जिसे हम यूनिटी का लाइफ साइकिल कहते हैं,
जिसका चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो चार्ट है उसमें जो मेथड्स हैं ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं और ये मेथड्स पर्टिकुलर सिचुएशन पर और पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं और इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि ये कब एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अभी अगर हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ने बैठेंगे तो एक तो हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा एंड उसके अलावा आप इन मेथड्स को तब तक अच्छे से समझ नहीं पाओगे जब तक हम इन्हें यूज़ नहीं कर लेते। तो हम इन्हें जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हम इन्हें समझते जाएंगे। अभी के लिए हम स्टार्ट एंड अपडेट मेथड को ही समझेंगे। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि स्टार्ट एंड अपडेट मेथड एग्जीक्यूट कब होते, लेकिन अब हमें ये जानना है कि इसे हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, इन दोनों मेथड्स को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। इसे समझने के लिए हम आते हैं हमारी गेम की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो हमें हमारे प्लेयर को मूव करना है, राइट। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम हमारे प्लेयर पर क्लिक करेंगे एंड उसके ट्रांसफॉर्म में जाकर जो उसकी पोजीशन है ना उसको उसकी वाई को हम वन कर देंगे एंड जेड को ज़ीरो कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद हम हमारे ग्राउंड पर आएंगे एंड ग्राउंड पर हम उसके जेड एक्सिस को उसकी जेड पोजीशन को 45 कर देंगे एंड देन मैं सीन को प्रॉपरली सेट करूँगा एंड उसके बाद मैं मेन कैमरा पर क्लिक करूँगा एंड गेम ऑब्जेक्ट्स में आऊँगा एंड अलाइन विद द व्यू कर दूंगा ताकि जो हमें ये सीन दिख रहा है यही सीन हमें गेम व्यू में भी देखने को मिले। ओके, और ये मैंने इसलिए किया ताकि जो हमारा प्लेयर है वो जीरो से स्टार्ट हो सके। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारे प्लेयर को मूव करना है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव करना है, देखो अब यहाँ पर हमें तीन एक्सिस देखने को मिलते हैं प्लेयर के, हमें उससे जेड एक्सिस पर मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो जो इसकी ये जेड पोजीशन है, देखो अगर मैं जेड में कुछ वैल्यूज को ऐड करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेयर है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जेड पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसे हमें प्रोग्रामिंग के जरिए अचीव करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम हमारी जेड पे जो पोजीशन है उसे फिर से ज़ीरो कर देंगे एंड उसके बाद हम हमारी स्क्रिप्ट पर आएंगे। अब जो हमने ये डीबग डॉट लॉग लिखा है इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उसके ट्रांसफॉर्म की जो पोजीशन है उसे चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट चाहिए। तो मैं स्टार्ट मेथड में आऊँगा एंड स्टार्ट मेथड में लिखूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। इस प्रॉपर्टी से हमें हमारे जो प्लेयर है उसकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इससे इस वैल्यू को ही प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, देखो इससे पहले डीबग डॉट लॉग एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में मैं लिख दूंगा देखो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल सेव कर लूँगा एंड उसके बाद देखो अब मैं प्ले बटन पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही देखो मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे कंसोल विंडो में हमारे जो प्लेयर की पोजीशन है वो हमारे पास आ जाती है कि हमारा जो प्लेयर है वो एक्स एक्सिस पर ज़ीरो है, वाई एक्सिस पर वन है एंड जेड एक्सिस पर अगेन ज़ीरो है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हमारे प्लेयर की जो जेड पोजीशन है उसे चेंज करना है, उसमें वैल्यू को ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन है उसे मैं इक्वल लिख दूंगा एंड उसके बाद फिर से मैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन लिख दूंगा एंड उसके बाद मैं प्लस कर दूंगा वैल्यू जिसे हम इसके एक्सिस पर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसके जेड एक्सिस पर वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैक्टर थ्री यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू वैक्टर थ्री क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, न्यू एंड उसके बाद वैक्टर थ्री। अब ये वैक्टर थ्री यूनिटी का इनबिल्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम तीन एक्सिस पर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं बिकॉज इसमें हम तीन पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पैरामीटर एक्स एक्सिस पर, एक वाई पर और एक जेड पर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पर वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो एक्स पर मैं कर दूंगा जीरो बिकॉज एक्स पर मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना, वाई पर मुझे कुछ नहीं ऐड करना तो वहाँ पर भी जीरो, जेड पर मैं कर दूंगा कि मुझे वन वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद एफ लगा दूंगा फ्लोट वैल्यू के लिए एंड उसके बाद सेमी कॉलन एंड अब मैं कंट्रोल सेव करूंगा। ठीक है, एंड अब देखो अब अगर मैं हमारी गेम को रन करता हूं तो देखो हमारे पास क्या होता है, तो हमारा जो प्लेयर है उसके जेड एक्सिस में एक वैल्यू प्लस हो जाती है यानी कि उसकी पोजिशन चेंज हुई लेकिन
एक वैल्यू से, यानी कि पहले z एक्सिस पर वैल्यू 0 थी, अब 1 हो गई। और हमें क्या करना है, हमें हमारे प्लेयर की पोजीशन को हर फ्रेम में चेंज करना है, जिससे कि हमें लगे कि हमारा प्लेयर मूव कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं हमने ये कोड लिखा है, इस सारे कोड को स्टार्ट मेथड से कट करूंगा और अपडेट मेथड में पेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अपडेट मेथड ही ऐसा मेथड है जो कि हर फ्रेम एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सेव कर लूंगा एंड उसके बाद मैं फिर से प्ले बटन पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही देखो मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, तो देखो हमारा प्लेयर बहुत फास्टली मूव कर जाता है। ओके, अब मैं इसे फिर से रन करके देखता हूं। देखो फिर से जब मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, तो हमारा प्लेयर फिर से बहुत फास्टली मूव कर जाता है जेड एक्सिस पर। ओके, तो अब देखो जो हमारा प्लेयर है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट मूव कर रहा है, और इसलिए बिकॉज जो अपडेट मेथड है वो हर फ्रेम एग्जीक्यूट होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके जो फ्रेम रेट हैं वो डिपेंड करते हैं आपके प्रोसेसर पर एंड आपके ग्राफिक कार्ड पर। ठीक है, आपके पास ज्यादा फ्रेम रेट भी हो सकता है और कम फ्रेम रेट भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 30 फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है, तो आपका जो प्लेयर है वो कम स्पीड से मूव करेगा बिकॉज उसमें अपडेट कम टाइम एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर आपके पास 60 हैं तो आपका ज्यादा फास्ट मूव करेगा। लेकिन अगर किसी के पास 100 FPS आ रहे हैं तो उसके पास तो बहुत फास्ट मूव करेगा, राइट? तो हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमारा प्लेयर अलग अलग सिस्टम में अलग अलग स्पीड से मूव करे। हमें चाहिए कि सिस्टम कोई भी हो, सभी में जो स्पीड हम देते हैं उसी स्पीड से प्लेयर मूव करे। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे प्लेयर की मूवमेंट को फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो यहाँ पर हमने वन वैल्यू दी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी मिलती है हमें यूनिटी में इनबिल्ट। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो प्लेयर की मूवमेंट है जेड एक्सिस पर उसे हम फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं एंड उसके बाद जब मैं फिर से प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, तो देखो क्या होता है, तो अब जो हमारा प्लेयर है वो देखो कितनी स्लो मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज हमने उसे फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर मैं इसे 1 वैल्यू दे रहा था उसे मैं 10 वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद कंट्रोल सेव कर दूंगा। एंड उसके बाद अब देखो जब मैं फिर से प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, तो क्या होता है, तो हमारा जो प्लेयर है वो थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है, राइट? यानी कि हमारा प्लेयर अच्छे से मूव कर रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया प्लेयर को मूव करने का। लेकिन गाइस, ये तरीका मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये कोई सही तरीका नहीं है प्लेयर को मूव करने का। ठीक है, प्लेयर को मूव करने का सही तरीका वही है जो सभी गेम डेवलपर यूज करते हैं, जो कि है रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज करना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर इस सारे कोड को डिलीट कर देंगे और इसकी जगह पर हम रिजिड बॉडी से हमारे प्लेयर को मूव करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे मूव करेंगे, देखो तो अगर हम हमारे प्लेयर की तरफ देखें, तो हमारे प्लेयर पर रिजिड बॉडी कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि हमारे प्लेयर को फिजिक्स के कंट्रोल में डालता है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिजिड बॉडी के थ्रू हमारे प्लेयर को मूव करना है। उसके लिए मुझे ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट तो हमें सिंपली मिल गया था, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट करेगा। तो हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते थे, सबसे पहले हम लिखते हैं देखो एक्सेस मॉडिफायर जो कि है पब्लिक, एंड उसके बाद टाइप, हमारा रिजिड बॉडी कंपोनेंट है तो उसकी टाइप भी क्या होगी, रिजिड बॉडी ही होगी। एंड उसके बाद नेम हम देंगे आर स्मॉल रख देते हैं, एंड उसका नेम भी हम रिजिड बॉडी दे देते हैं। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो कि रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट कर रहा है। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल सेव कर दूं। तो अब देखो अगर मैं हमारी स्क्रिप्ट पर आता हूं, तो जो हमारे प्लेयर की स्क्रिप्ट है, अब यहां पर हमें कह रही है कि जो ये रिजिड बॉडी आपने लिखा है मुझे ये कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिजिड बॉडी कंपोनेंट को जो हमारे प्लेयर का कंपोनेंट है इसे यहां से उठाऊंगा एंड हमारा जो वेरिएबल क्रिएट किया था रिजिड बॉडी उसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा जो वेरिएबल है रिजिड बॉडी, इसके अंदर जो हमने रिजिड बॉडी कंपोनेंट था वो आ गया। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल के जरिए हमारे रिजिड बॉडी कंपोनेंट को चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है, उसे मैनिपुलेट कर सकते। तो अब मुझे क्या करना है, हमारे प्लेयर को मूव करना है, ठीक है, रिजिड बॉडी के थ्रू। बट कैसे, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इस रिजिड बॉडी कंपोनेंट पर आएंगे, ठीक है, और इसके जो नज़दीक बना हुआ है क्वेश्चन मार्क बटन, उस पर क्लिक करेंगे। मेक श्योर आपके पास इंटरनेट चलती हो, ठीक है। एंड जैसे ही मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ब्राउज़र में जो हमारा रिजिड बॉडी कंपोनेंट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये यूनिटी के मैन्यूअल है, ठीक है। ये मैन्यूअल में हमें रिजिड बॉडी कंपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखो जो भी उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप इस कंपोनेंट को पढ़ना चाहते हो या फिर आप किसी भी और कंपोनेंट को पढ़ना चाहते हो, तो यूनिटी की मैन्यूअल से, यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मुझे स्क्रिप्टिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये लिखा हुआ है ना स्विच टू स्क्रिप्टिंग, इस पर क्लिक कर दूँगा, तो हमारे पास रिजिड बॉडी का स्क्रिप्टिंग वर्जन ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर रिजिड बॉडी की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, देखो ये वाली, और इसके हमें कुछ मेथड्स देखने को मिलते हैं। हमें चाहिए रिजिड बॉडी का एड फोर्स मेथड, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एड्स अ फोर्स टू द रिजिड बॉडी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी को फोर्स ऐड करता है, जो कि इन रिटर्न हमारे गेम ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करती है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, हमारी स्क्रिप्ट पर आऊँगा, ठीक है, हम अपडेट मेथड में आएंगे, तो हमने जो रिजिड बॉडी वेरिएबल क्रिएट किया है उसे टाइप करेंगे एंड उसके बाद डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखो बहुत सारे मेथड देखने को मिल जाते हैं रिजिड बॉडी के, मुझे एड फोर्स मेथड चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में अगेन हमें क्या कर सकते हैं, हमें तीन वैल्यूज पास करनी है। हमें क्या करना है, हमारे प्लेयर को जेड एक्सिस पर मूव करना है, यानी कि हमें उसे जेड एक्सिस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं एक्स को कर दूंगा 0, वाई को भी 0 एंड जेड पर मैं फोर्स अप्लाई कर दूंगा। कितनी फोर्स अप्लाई करूंगा, अभी के लिए 1000 अप्लाई कर देते हैं एंड उसके बाद मैं एफ लगा दूंगा, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू लेता है। एंड अगेन अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, ताकि हम इसे फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बना सकें। ओके, अब इसके बाद मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा, ठीक है। अब देखो, तो अब अगर देखो मैं यूनिटी गेम इंजन में आता हूँ एंड प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या होता है, तो हमारा प्लेयर आगे की तरफ मूव करता है और हम देख सकते हैं कि ये रोटेट भी कर रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए कि हमारा जो प्लेयर है वो रोटेट करे, ठीक है, हमें सिंपली उसे मूव करना है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये रोटेट क्यों कर रहा है, ये रोटेट इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों जो ग्राउंड एंड प्लेयर है उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है रिजिड बॉडी की वजह से, और मुझे ये फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूंगा, बट इस टाइम मैं फिजिक्स मटेरियल क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट विंडो में आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पे जाऊंगा एंड यहां पर मुझे चूज करना है फिजिक्स मटेरियल, 2D नहीं, सिंपल फिजिक्स मटेरियल पर क्लिक करना है एंड देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू फिजिक्स मटेरियल क्रिएट हो जाता है। अब इसे मैं नाम दे दूंगा फ्रिक्शन लेस, ओके एंड एंटर। अब इस फिजिक्स मटेरियल की हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती, ठीक है, हमें इस पे देखो क्या मिलता है, डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मुझे कोई भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो मैं इन सभी वैल्यूज को 0 कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो फिजिक्स मटेरियल है ये फ्रिक्शनलेस मटेरियल बन गया, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं इस फ्रिक्शनलेस मटेरियल को हमारे ग्राउंड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ओके एंड अब देखो, अब अगर मैं हमारे ग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो उसके बॉक्स कोलाइडर में जो मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर जो हमने ये मटेरियल क्रिएट किया था फ्रिक्शनलेस मटेरियल, ये अप्लाई हो जाता। लेकिन ये बॉक्स कोलाइडर पर ही क्यों अप्लाई हो, वो इसलिए बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो कोलिजन होता है वो कोलाइडर्स के बीच में होता है, ना कि मॉडल्स के बीच में, तो इसलिए हमें जो फिजिक्स मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा वो कोलाइडर को अप्लाई करना पड़ेगा, ओके एंड अब देखो, अब अगर मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, तो हमारा प्लेयर स्मूथली मूव करता बिना रोटेट की, ओके। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम गेम प्रोग्रामिंग को बेसिकली करते कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं और कैसे हमारे प्लेयर को राइट एंड लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेम प्रोग्राम। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।